हे फूडीज, वेलकम टू मैथिली किचन। आज हम बनाएंगे कद्दू के फूल की पकौड़ी। कद्दू की सब्जी तो आप सभी लोगों ने खाई होगी। आज हम बनाएंगे कद्दू के फूल की पकौड़ी, जो बहुत ही क्रिस्पी बनती है, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने कद्दू के फूल लिए हुए हैं। मैंने इन फूलों को धुल लिया है। ये देखिए, ये अंदर से इस टाइप के दिखते हैं। अब हम इन्हें तोड़ लेंगे। पहले मैं इनकी साइड को निकाल देती हूँ। अब हम इन्हें इस टाइप को तोड़ लेंगे। मैंने बीच से खोल देती हूँ और इसका बीच वाला पार्ट भी निकाल देती हूँ। इसी तरीके से हम सारे फूल तोड़ लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे फूल तोड़ लिए हैं। अब मैं इनकी छोटी छोटी पकौड़ी टाइप से बना लूंगी। ये देखिए, मैंने एक फूल को दूसरे फूल के अंदर रख दिया है। और अब हम इसकी पत्तियां अंदर की तरफ मोड़ देंगे। इस तरीके से ये देखिए, हमारी एक पकौड़ी बन चुकी है। मैंने सारी पकौड़ियां बना ली हैं। मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपकी पकौड़ी तलते समय खुलेगी नहीं और बहुत ही टेस्टी बनेगी। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने एक बाउल लिया हुआ है। मैं डाल रही हूँ एक कटोरी बेसन। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी अजवाइन। इसे हम क्रश करके डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ी सी हींग और लगभग आधा चम्मच जीरा और दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और पानी थोड़ा सा डाल के इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। हमें पानी थोड़ा थोड़ा यूज करना है ताकि ज्यादा पतला ना हो। हमें इसे अच्छे से चलाते रहना है ताकि इसमें लंप्स ना पड़े। ये देखिए, हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। मैंने कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ये सरसों का तेल है। ये मैंने अपनी पकौड़ियां ली हुई हैं और ये हमारा बेसन का घोल। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इस तरीके से अपनी पकौड़ी को बेसन के घोल में डिप करेंगे और लपेटते हुए इसका अच्छा सा कवर कर लेंगे। अब हम इसे तेल में डाल देते हैं। इस तरीके से मैं सारी पकौड़ियां तेल में डाल देती हूँ। अब हम इन्हें पलटते हुए चला लेंगे। ये देखिए, पकना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इन्हें एक बार और पलट देते हैं ताकि दोनों साइड से अच्छी तरीके से पक जाए। ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है और अंदर से एकदम सॉफ्ट होती है। आप घर पे जरूर ट्राई करें।
ये देखिए ये लगभग पक चुकी है। हम इन्हें थोड़ा सा और पका लेते हैं, फिर मैं इन्हें निकाल लूंगी। ये देखिए कितनी सुंदर बनी है। इसी तरीके से हम सारी पकौड़ियां निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारी पकौड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। अब मैं आपको ये तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखिए बाहर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट। ये बहुत ही टेस्टी लगेंगी, आप घर पे एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। लीजिए हमारे कद्दू के फूल की पकौड़ी तैयार है। कोई भी नहीं कहेगा ये कद्दू के फूल की बनी हुई है।